पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री ये कहते हो बड़ा पेड़ गिरे तो धरती तो हिलेगी, यानी कि सिखों का कत्लेआम के बाद भी, उनकी बहनों बेटियों के बलात्कार के बाद भी इतना बेशरम बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने उस समय दिया था जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे। उनके बाकी नेताओं से आप क्या अपेक्षा करते हैं? और दुर्भाग्य ये है जिस पार्टी की सरकारों एक के बाद में अनेकों के सरकारों के दौरान दंगे होते रहे, और दंगा मुक्त अगर किसी ने करने का काम किया और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास मूल मंत्र के साथ काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। दूसरा, हमारी राज्य की सरकारें देखिए, मोदी जी ने गुजरात में भी दंगा मुक्त किया, देश में भी, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में भी दंगा मुक्त किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलती है, कांग्रेस तो केवल तुष्टिकरण की राजनीति तक अपने आप को सीमित है। राजस्थान की अटकलें आप 2 सालों से लगा रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि कांग्रेस में जो भ्रष्ट शासन राजस्थान में दिया है उसकी बातें कोई और नहीं, कांग्रेस के स्वयं लोग कर रहे हैं। कोई पेपर ऐसा नहीं हो जो लीक ना हुआ हो, कोई नौकरी ऐसी नहीं जो घोटाले के बिना ना मिली, भ्रष्टाचार के बिना ना मिली हो। एक नहीं, अनेक क्षेत्रों में घोटाले के आरोप राजस्थान की सरकार के ऊपर लगे। किसान आज तक कह रहे हमारे कर्जा माफ नहीं हुआ, युवाओं को आज तक नौकरियां नहीं मिली, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। 5 वर्ष राजस्थान की कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही, और उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है कि कांग्रेस के स्वयं पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल भी और भ्रष्टाचार का झंडा भी उठाकर चले कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री। ये कांग्रेस की अंदरूनी बात है, कांग्रेस को तय करना है किसको मुख्यमंत्री बनाना नहीं बनाना। हिमाचल सरकार ने लगातार प्रयास किया है, चाहे कोई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो या कोई फाइनेंशियल अपराध में हो, आर्थिक अपराध के साथ जुड़ा हो, उसकी एक्सट्रॉशन के लिए हमने कानून भी बनाए और उनको वापस लाने का हर संभव प्रयास भी किया है, और ये लगातार आगे भी जारी रहे। हिमाचल में जिम्मेदारियाँ मिलती रहती हैं, जैसे प्रोफेसर सिकंदर जी हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष फिर वाइस चांसलर बने और उसके बाद राज्यसभा के सांसद बने, इसी तरह से पहले एक अध्यक्ष थे अब दूसरे हैं, तो हर 3 साल बाद होना है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में हमीरपुर स्टूडेंट एसोसिएशन ने बहुत शानदार कार्यक्रम करवाया जो सांस्कृतिक भी था, धाम भी थी, और बहुत हजारों अपने युवा साथियों को मिलने का अवसर मिला, और मेरे पास एक ऐसा मंच था जहां पर मैं उनसे नशा मुक्त भारत की अपील कर सकता था, नशा मुक्त हिमाचल, नशा मुक्त हमीरपुर की अपील कर सकता था।